दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की नाकामियों के चलते यमुना नदी एक बार फिर सुर्खियों में है। हम आपको याद दिला दें कि इस साल मानसून के दौरान यमुना नदी में बाढ़ आ गई थी, तो केजरीवाल सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए हरियाणा सरकार पर हथनी कुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़ने का आरोप लगा दिया था। अब यमुना नदी में जल प्रदूषण का स्तर गहरा गया है, तो जल्द ही इसका भी आरोप किसी और पर मढ़ दिया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने यमुना नदी की सफाई के कितने ही वादे किए, तमाम तरह के फंड जारी करने की बातें भी कही। यही नहीं, चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि यदि यमुना साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना, लेकिन वो कभी भी अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। हालात ये है कि आज यमुना की नदी विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में शुमार है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में अक्सर शीर्ष स्थान पर बनी रहती है। देखा जाए तो दिल्ली में यमुना नदी का प्रदूषित जल और जहरीला झाग ये दर्शाने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के दावों और हकीकतों में जमीन आसमान का अंतर है। इच्छा शक्ति हो तो गंगा जैसी बड़ी नदी को भी प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है, ये संकल्प देश ने सिद्ध करके दिखाया है। इसलिए सवाल उठता है कि यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने की राह में ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जिनको केजरीवाल सरकार दूर नहीं कर पा रही है। देश की राजधानी की हवा और पानी यदि सर्वाधिक प्रदूषित की श्रेणी में आए तो ये शर्म की बात है। केजरीवाल सरकार खुद को हिंदूवादी दर्शाने के लिए एक तरफ मोदी सरकार से मांग करती है कि नोटों पर श्री गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर प्रकाशित की जाए, लेकिन दूसरी ओर दिल्ली में हिंदुओं के आस्था स्थलों की साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अभी हाल ही में गणेश उत्सव के समापन के समय जब श्रद्धालु गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए यमुना के किनारों पर पहुंचे थे, तब प्रदूषित जल में झाग के पहाड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां किसी ग्लेशियर पर खड़े हैं। इस समय चल रहे नवरात्रि पर्व के समापन के बाद जब श्रद्धालु दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए जाएंगे, तब भी उन्हें यमुना के प्रदूषित जल में झाग का ऐसा गुबार देखने को मिलेगा, उन्हें भी किसी ग्लेशियर पर उपस्थित होने का एहसास होगा। बहरहाल आस्था का महापर्व छठ भी आने वाला है। इस दौरान बड़ी संख्या में छठ व्रती यमुना के जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को नमन करेंगे। दरअसल जल प्रदूषित होने से श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन लगता है कि राज्य सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं। इसलिए भाजपा सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कालिंदी कुंज के पास यमुना की हालात का जायजा लेने पहुंचे। भाजपा नेताओं ने नाव से सवारी कर यमुना की स्थिति देखी और फिर केजरीवाल सरकार पर जोरदार निशाना भी साधा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और स्थानीय नेता इसी प्रकार नाव से यमुना के प्रदूषण का जायजा लेंगे और राज्य सरकार पर निशाना साधेंगे। पलटवार में राज्य सरकार भाजपा पर निशाना साधेगी और यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देगी, लेकिन यमुना प्रदूषित की प्रदूषित ही बनी रहेगी।